गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो इसमें जो है अब हमारे दर्शन माता जी के हो चुके हैं, तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट टाइम ले रहे हैं। 2-2.5 घंटे का हमने ब्रेक लिया था, जिसमें कि हमने यहाँ पर बैठ के गरम गरम पकोड़े चटनी के साथ चाय और मैगी वगैरह इंजॉय की। तो बातचीत भी हो गई इससे बैठ कर के, और साथ में जो है अपना सबने गप्पे सप्पे मार के इंजॉय भी कर लिया। मैं को इसमें यहाँ पर म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में मंदिर में गाने वगैरह चल रहे थे, तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वरना आप भी हमारे साथ गपशप में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया जो है स्नैक्स वगैरह इन्होंने भैया ने बनाए हुए थे, तो बस वो सब चल रहा है। आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग वापस जो है नीचे की तरफ जाएंगे पार्किंग साइड में। चलिए आप सब भी बने रहिए। जय माता दी। पकौड़े की चल रही है तैयारी। जब यहाँ पे है लकड़ियों की सुविधा, बचत तो वही है। याद दिलाना पड़ता है। अब अलग-अलग आ गया तो क्या करना है? हाँ, गरम है ये धोखेबाज इंसान जो बोल रहा था आज मैं तेरे से पीछे पीछे चलूंगा। जब तू बिल्कुल ही मरे मरे चलोगे तो अब जब वो खड़ी चढ़ाई थी तो हाँ आज मैंने बोला था, मैं कहा 7 महीने। हाँ आज तो मैं सबसे पीछे चलूंगा, सबसे पीछे रहूंगा। देखा कि ये तो बड़ी नहीं ना ना सब बोला है तो क्या करते। हाँ बिना गड्डी चले आ गए हम लोग यहाँ। हाँ कुर्सियाँ भी ऐसे है Thank you.
टिक्का देखो तीन उतरते तो आपको पूरा बैलेंस रखना पड़ेगा ना है? हाँ वही स्टिफनेस रखो। हाँ मैं ढलान इस वक्त तो अपने 11 नंबर वाले स्पीड ब्रेकर पे ध्यान दो है। फिर भी मंदिर में सफाई है, पूरा साफ है, नहीं तो ज्यादा तो हाँ पूरा चढ़ाई बढ़िया थी। हाँ सही में ऐसे ही नहीं कर रहे तो ऐसे ही कर लें। पीछे से पकड़ लेना, पीछे से आगे कर तो रही। अरे धोखेबाज इंसान। हाँ अब वापसी में बन रहे बड़े, पीछे ही रहूंगा। अब तो मजबूरी है कि अभी अभी ब्रेक में साथ नहीं दे रही मैं कहा अभी। हाँ कह रही घुटने जवाब दे रहे। आपने गलत पहने ना, स्पोर्ट्स शूज पहनने चाहिए। जय माता दी। बापरे अभी भी बहुत चलना है। हाँ कुछ कुछ एरिया तो इतना खतरनाक है ना। ब्रेक लगा लो, वहीं ना चले जाना कहीं। बस तुम्हारे ये काम ना छूटने वाला। ये कहाँ से शॉर्टकट चल रहा है भाई? आजा आजा एंड हो गया। पहुंच गए भैया पार्किंग में। चल पीछे से देखो कितना अच्छा आ रहा, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। अच्छा घर के ही है सारे। घर की तो इतने डॉगी है ना वहाँ। हाँ ये देखो सब हट्टे ऊपर भी। वो अपनी तरफ कर दिया। आजा ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। घूमना पहुँचते पहुँचते पता नहीं कहाँ पहुँचे। चले भाई अब काम चल रहे हैं। फिर पलटन बाजार। हाँ चलो तू आ जा। उसकी सुध है वो इधर ही। अकेली होगी ना अभी। उस समय मैंने उसके कान में एयरपोर्ट डालना हुआ था, ज्यादा सुध थी।
यहाँ देख इधर पहाड़ की छाया हो गई है ना, रह रही है उस टाइम भी थी। शक्करकंदी वापसी में बस अब हम लोग भैया औरों का वेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ लेना था तो यहाँ पे सामने ही हमारे यहाँ शक्करकंदी की चाट वाली ठेली लगी हुई थी, बहुत अच्छी चाट थी, हम सब ने वो खाई। और वापसी में जो है बहुत अंधेरा हो गया था तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया था। बस फिर इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ जो है आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नमस्कार।